जो हो रहा है तुम्हारे जना की वजह से हो रहा है। मेरा बस चले तो उसको मैं बकवास बंद करो सलीम। अब तुम्हारे मुंह से इनके खिलाफ एक लफ्ज भी निकला तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। साले, तुम बचेगा तो गला घोटेगा ना। तुम भी माफी मांगो उससे। चलो जी, माफी चाहता हूं। मेरी खातिर उन्होंने हसन को मारा। कौन कूदता है पराई लड़ाई में, बोलो। क्या वो आपकी खातिर किसी हिंदू से भी लड़ सकते? एक थप्पड़ लगाऊंगा अगर जवाब दिया तो। अगर भैया कांग्रेसी है तो हम भी कांग्रेसी है। मुस्लिम लीग की नहीं। ठीक है, अगर तुम इतनी ही लकीर की फकीर हो तो अब से मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। जुल्म की दास्तान सुनाकर हम आपकी हमदर्दी बटोरने या मदद हासिल करने के लिए नहीं आए। हमें हमें अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी अजीम मकसद को कुर्बानी दिए बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। तुम्हें कसम है हमारी तरबियत की, जब जब जरूरत पड़े पलट कर हमारी तरफ न देखना, कर जाना। जो एक मुसलमान मर्द या औरत दीन के लिए कर सकता है, कर जाना बेटी। या अल्लाह, इन्हें सीधा रास्ता दिखा और मुझे भी कोई तरीका समझा कि मैं अपने फराइज का पास रखते हुए पाकिस्तान के काम आ सकूं। बानो जी, भाभी बानो जी, भाभी जरा मेरी बात सुनो। मैं अभी आई। आदाब बीबी जा। जी भाभी, आपने बुलवाया, कोई काम था? मेरा क्या काम होगा, काम तो तुम जैसे कुछ नसीबों के होते हैं। हमें तो बस आपकी दुआएं चाहिए भाभी। बहुत दिनों से हसन को नहीं देखा, कैसा है? अच्छे, बस गुस्सा नाक पे धरा रहता है। मेरा एक काम करोगे? जी भाभी, कहिए। एक दो चीजें देनी है उसे। मुझे दीजिए, मैं भिजवा दूंगी।
एक तो ये, और ये भी। सुरैया, ये जेवर बानो को क्यों दे रही हो? नहीं भैया, भाभी दे रही नहीं थी, सिर्फ दिखा रही थी। मेरी खातिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बानो, मैं ये मुस्लिम लीग के फंड में दे रही। नहीं भैया नहीं, भाभी को ना मारे, खुदा रब मुझे मार डाले लेकिन भाभी पे हाथ ना उठाए। किससे पूछ के दे रही थी जेवर? किसी से नहीं, मैं दुआ कर रही थी। पता नहीं कैसे मुझे रास्ता दिखाई दिया और मेरे दिल को करार आ गया, और इस करार ने तुम्हारी आंखों में शर्म, हया, डर सब कुछ खत्म कर दिया। तो मैं इसको बताऊं कैसे डरा जाता है? मैं ये जगह उन मुसलमानों के लिए दे रही हूँ जिनके घर फसाद में लूट गए। मैं नहीं जानती ये कांग्रेस ही है ये मुस्लिम लीग ही, पाकिस्तान के हामिल है ये मुखालिफ। मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो मुसलमान है। इस वक्त मुसलमानों को एक एक पैसे की जरूरत है। ऐसे में ये जेवर रखना मेरे लिए ऐसे जैसे सांप और बिच्छू पाल। किससे पूछ के दे रही थी तुम ये जेवर? जेवर मेरे, इन पे ज़कात देना जैसा मेरा फर्ज है, इन्हें इस्तेमाल करना मेरा हक, और ये हक मुझे मेरे अल्लाह ताला ने दिया है। आप मुझे मेरे घर वालों से तो मिलने से रोक सकते, लेकिन मुझसे मेरा ये हक नहीं छीन सकते। फहीम, तुम्हें पता है प्रेस पे पाबंदी लग गई है? हाँ सुना है, मुस्लिम लीग को कुचलने के लिए ये जो ना करे कम है। लेकिन हम हार थोड़ी मानने वाले, बताओ क्या काम? पता नहीं, इलेक्शन सर पे हैं और इश्तेहारात अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। तो हाथ से निकल करवा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने सारे कैसे करवाएंगे? घर पे बैठी हुई औरतें कम से कम ये तो कर सकती हैं, घर की और मोहल्ले की औरतों को इस काम पर लगा देते हैं। क्या दुआ मांगी? जो जी में आया मांग लिया। और जी में क्या आया? बस एक ही दुआ जो हर मुसलमान की दुआ है। बस एक ही दुआ मांगी? हाँ, मेरी हर नमाज में बस एक ही दुआ होती है कि हम मुसलमानों का एक अलग मुल्क हो जहां हमें हिंदुओं के रहमो करम पे ना रहना पड़े। इसके अलावा एक और दुआ तो जरूर मांगी होगी। क्या? कि अल्लाह मियां मुझे हसन दे दे। नहीं, झूठी। मैं वाकई झूठ नहीं बोल रही, मैंने कभी कोई ऐसी दुआ नहीं मांगी।
क्यों? कभी जरूरत ही नहीं समझी। जरूरत नहीं समझी? नहीं समझी। मुझे असल में आपसे एक काम था। कहिए। कुछ इश्तिहारात नकल करवाने थे। कब तक? परसों तक। बेहतर हो जाएगा। कोई और काम? अस्सलामुअलैकुम माँ। वालेकुम सलाम। बैठो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मा, बस थोड़ा थक गया हूँ। मैं सर दबा दो? अरे आप मेरा सर क्यों दबाएंगी भाई? मैंने सोचा और तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे ही मुस्लिम लीग की कुछ खिदमत कर दे। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत है। क्या हुआ माँ, परेशान? कितने दिन हो गए, ना तो सुरैया आई ना ही उसके घर से कोई आया, और मुझे तुम वहां जाने नहीं देते। अरे अम्मा, सब मुस्लिम लीग के कामों में मसरूफ, इसीलिए कोई आना जाना नहीं हो रहा। आप खामा खामे फिक्रमंद हो रही हैं। ऐसी भी क्या मसरूफियत? मसरूफियत है, बल्कि मैंने ही उनसे कहा था कि जब तक मुस्लिम लीग के काम चल रहे हैं अपना खानदान वानदान छोड़ दें और सिर्फ मुस्लिम लीग को अपना खानदान बना लें। पहले तो बानो भी बहुत आती थी, अब उसने भी आना छोड़ दिया है। बानो तो पक्की मुस्लिम लीग ही हो गई है, उसने तो अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया उसको, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करती। खैर अच्छी बात है, हमारे मकसद को ऐसे ही जानेसार लोगों की जरूरत है। जी, अब ऐसे जानेसार लोगों की नजरों में हमारी क्या हैसियत? आप भी क्या जिक्र लेके बैठ जाती हैं? जब काम खत्म हो जाएगा तो सब लोगों का आना जाना फिर शुरू हो जाएगा। हाँ शायद ठीक ही कहते हो। नाश्ता करो। क्या बनाया आपने? जो कहो बना ले। पराठा बनाओ। बना दे। बस दो मिनट। हम्म, जी बानो। भैया आप प्रशीदा खाला के यहाँ से किसी को भिजवा देंगे? इस वक्त वहां से सिर्फ हसन आ सकता है, बुला दूं उसे? जी भैया। अच्छा हसन मियां, हसन मियां आपको आए कई महीने हो गए। हाँ माना कि नतीजा अभी तक नहीं निकला, लेकिन नौकरी तो ढूंढी जा सकती है ना? जी ठीक कह रही हैं आप। वो असल में मैं
लीग के कामों में इतना मसरूफ हो गया था, ध्यान नहीं गया। हाँ, कैसे जाता? सारा खर्चा तो आपके मामू उठा रहे हैं। यही होता है जब बच्चों को बिन मांगे सब कुछ दे दिया जाए, उन्हें एहसास जिम्मेदारी नहीं रहता। भाई देखना, मेरी बात का बुरा मत मनाना, मैंने तो मुन्नू के अब्बा से भी यही कहा था, फिर उन्होंने अपना हाथ सख्त कर लिया और मुन्नू दिल्ली चला गया। अब देखो दिल्ली जाके वहां नौकरी कर रहा है। अपने बेटे के साथ तो वो ये कर सकते थे, तुम्हारे साथ तो नहीं कर सकते ना, सारे खानदान में नाक कट जाएगी। ये आप ठीक कह रही हैं, आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही इम्तिहान का नतीजा आएगा मैं नौकरी पकड़ लूंगा। हाँ तो कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल सकती है ना। फहीम मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। भाई बहुत दिन हो गए, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, वो काम से आया था। बानो कह रही थी कोई काम है उसको। इश्तहार आप लिखवा लिए? नहीं, वो तो काम अभी हो रहा है। तो फिर क्यों बुला रही है? कह दो मैं मसरूफ हूँ, जैसी फुर्सत मिलेगी तो मैं आ जाऊंगा। अरे बेटा चले जाओ, कोई बात होगी तो ही बुला रही है ना, जाओ सुनो क्या हाल है। जी अम्मा, चले गई। आदाब। क्या है? भाभी ने आपके लिए तो अमानतें भेजी। क्या? ये संदूक जी, इसमें उनके जेवर हैं, वो मुस्लिम लीग के फंड में देना चाहती हैं। सलीम से भी पूछा है कि नहीं? भाभी ने कहा है ये उनकी चीज है, उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगे। वो इसे सही इस्तेमाल करना चाहती है। और दूसरी अमानत? उसके लिए आपको थोड़ा झुकना होगा। ये क्या था? भाभी की दूसरी अमानत। और कुछ नहीं, ये बहुत पाकीजा प्यार था जो आपकी खाला ने आपके लिए भेजा है। वो आपको बहुत याद करती है। और तुम? तुम्हें मालूम है मैं तुमसे खफा हूं? जानती हूं, लेकिन उस खफगी की कोई वजह नहीं। तो तुम्हें लगता है कि मैं बिला वजह नाराज हुआ? ठीक है, जब वजह समझ में आ जाए तो बात कर लेंगे। अरे ये संदूक जी तो लेते जाइए।
अब आप यूं ही मुझसे नाराज रहेंगे तो फरिश्ते सारी रात मुझ पे लानत बरसाएंगे, और अगर मैं मर गई तो इस तरह की बातें करके तुम मुझे मुतासर नहीं कर सकते। चले, कम से कम मेरी मौत का सुन के तो आपका प्यार दिखा। देख लिया ना, जाओ यहां से, जो दिल में आता है करो, बन जाओ मुस्लिम लीग की। कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें मैं। आपका साथ तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, आपकी खातिर मैं अपनी बहन को छोड़ सकती तो मुस्लिम लीग क्या चीज है। बहुत जुल्म किया मैंने तुम पे, किया तो है, दिल रखने को ही कह देती कि नहीं किया। क्यों कहती, जब मेरा दिल दुखा है तो झूठ क्यों बोलूं? और वैसे भी जब अल्लाह ताला आपसे कयामत के दिन पूछेंगे मैंने अपनी बंदी को तुम्हारे ताबे किया तो तुमने उसके साथ अच्छा सलूक किया, क्या जवाब देंगे आप? आपका दिल रखने का तो मैं झूठ बोल देती, लेकिन सच तो ये है ना कि मेरा दिल वाकई दुखा है। मुझे माफ कर दो, मुझे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपको माफ किया, मेरा अल्लाह भी आपको माफ करेगा। बहुत अच्छे शोहर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा तुम जा सकती हो, उनसे मिल सकती हो, बस एक बात का ख्याल रखना कि मुस्लिम लीग को आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी दिल आजारी हो। काम हो गया? जी भाभी, बस आखिरी है। अरे वाह, बड़ी जल्दी कर लिया तुमने काम। अच्छा सुनो, काम खत्म हो जाए ना तो बीबी की बात सुन लेना, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी। बानो। जी भाभी। क्या हुआ भाभी, कोई खुशखबरी है? हाँ,
उन्होंने इजाजत दे दी है रशीदा बाजी हसन से मिलने की। सच्ची भाभी आज हम इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है सुबह सुबह। आज तो मैं सौ नफले पढ़ूंगी। मुझे भी पढ़नी है, चलोगी मेरे साथ? कब जाना है? काम हो गया? हसन पूछ रहा था। कितनी बार पूछवाएंगे वो? भाई मैंने तो कह दिया कि तुम सारा दिन बैठ के लिखती रहती हो, आगे से कहता है नहीं हो सकता तो वापस दे दो, मैं कहीं और से करवा लूंगा। उनसे कहें कि अगर उन्हें इतनी ही जल्दी तो आके पर्चे ले जाए और जाके किसी और से करवा ले। ठीक है मैं कह देता हूँ। क्या हुआ, झगड़ा हो गया? झगड़ा होने के लिए कुछ होना जरूरी नहीं होता। आपके भांजे को तो बात बात पे झगड़ा करना होता है। तो मना लो, कोई बात नहीं। मना लो? हाँ, मनाने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी ना? रशीदा भाभी के यहाँ कब जाना है? अच्छा जी, कब जाना है? भाभी मेरी जान। चला गया फहीम? क्या कह रहा था? कुछ नहीं अम्मा, उनकी बहन साहिबा का दिमाग आजकल सातवें आसमान पे है, बस यही पैगाम देने आया था। बानो का? क्यों, खैरियत है? क्या पता, आसमानी दिमाग वालों की बातें तो आसमान वाले ही समझे, हम जैसे जमीनी लोगों से क्या वास्ता उनका। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे बानो, लो अभी तो आया था फहीम तुम्हारा पैगाम लेके। कहाँ रह गई थी तुम, भूल ही गई हम लोगों को तुम तो? हैं बस हो खाक ही। अरे ऐसा क्या, तुम मुस्लिम लीग की हो गई, हमें भूल ही गई बिल्कुल। हसन मुझे बता रहा था। आप भी खाला पता नहीं किन की बातों में आ गई। खैर छोड़े, आप जानती हैं मैं साथ में किन को लाई हूँ? किसको? अंदर आ जाइए। सुरैया खाला, कहाँ रह गई थी तू, तो मुझे भूल ही गई, आज कैसे बहन की याद आ गई? बस आ गई। कैसी हो? ठीक। देखो जरा इनका प्यार, हर दो दिन बाद जाकर उससे मिलता है और यूं बात कर रहा है जैसे पता नहीं महीनों से शक्ल नहीं देखी। अरे शक्ल तो मैंने नहीं देखी तुम्हारी हफ्तों से। चला हमेशा खुश रहो, फुलो फुलो, खुदा तुम्हारा सुहाग सलामत रखे और तुम्हें चांद सा बेटा दे। चलो क्या? फहीम ने मुझे बताया था आपसे इश्तिहार लिखवाए नहीं गए, मुझे दे दे, मैं किसी और से लिखवा लूंगा। किससे? आपको इससे क्या, आप तो अपने रिसाले पढ़ रही थी, फिर ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? यही वैसे क्या नाराजगी में आप सबका दिल यही तोड़ती हैं, सिर्फ हमारा? देखिए बानो, मुझे बहुत सारा काम, आप मुझे इश्तिहार दे दें ताकि वक्त की कमी की वजह से मुझे किसी को ढूंढने में दिक्कत पेश ना आए। अगर मैं कहूं कि सब इश्तिहार तैयार है तो? तैयार है, लेकिन फहीम तो कह रहा था। मैंने कहलवाया था,
क्यों? मेरी मर्जी। पहले आप बताइए, नाराज क्यों हैं? मैं नाराज नहीं हूं। जरा आईने में अपना चेहरा तो देखिए। बानो, मैंने आपसे कहा है मुझे जल्दी है, मुझे इश्तिहार दीजिए ताकि मैं जाऊं। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूं आप मुझसे नाराज हैं। अगर आप जानती हैं तो पूछ क्यों रही हैं? आप मेरी जरा सी दुआ वाली बात पे इतना नाराज होंगे? शायद अपनी जिसारत पे पुशीमान है। तुमने उस दिन जिस तरह मेरा शौक कुचला, क्या जरूरत थी? कह दिया होता कम से कम मेरा दिल तो नहीं टूटता। मैं कैसे कोई गलत बात कह सकती? आज तक बाकी कोई ऐसी दुआ नहीं मांगी। शायद इसलिए कि मैं हमेशा आपको अपना समझती हूं। जो चीज मेरी मुझे मिल चुकी है उसे खुदा से क्यों मांगू? ऐसा नहीं लगा कि हम दो अलग वजूद हैं। मुझे लगता है मैं अजल से आपकी हूं। फिर तो हमें आपको क्यों मांगा? हर नमाज में ये दुआ जरूर मांगती कि आप खुश, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ। हाँ, मैं आपको नहीं पास हो गया। अरे क्या? हाँ भाभी, वो इंजीनियर बन गया भाभी। अरे तो दूर ही रहो कि पास आके मुबारक लोगी। अरे इशिता, बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। रो लो, रो लो, आज जितना रोना चाहती हो, आज के बाद रोना खत्म रशीदा, आज के बाद रोना खत्म। तुम्हारे सारे फर्ज अदा हो चुके हैं। बहुत मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत। और ये सब कुछ आपके बिना नहीं हो सकता था भाभी। सो तो है, लेकिन सुनो, अब तो सारे खानदान की दावत करनी होगी और मिलाद भी। हाँ जरूर करेंगे। बस इतना खुशी का दिन रशीदा। Ya Nabi Salam Alayka, Ya Rasul Salam Alayka, Ya Rasul Salam Alayka, Ya Habib Salam Alayka, Salawatullah Alayka, Ya Nabi Salam Alayka, Ya Rasul Salam Alayka, Ya Rasul.
या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह जाने दे, सब इंतजार कर रहे। मैं भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने तो मुझे मुबारकबाद नहीं दी। क्यों देती? जितनी दुआएं मैंने की हैं आपको कामयाब तो होना ही था। तो तुम्हारा मतलब है मेरा इसमें कोई कमाल नहीं? तुम्हें तो पता था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, है ना? हाँ, और हमेशा होंगे। तो फिर ये तैयारी की? क्या मतलब? ये कपड़े, ये जेवर, ये चूड़ियाँ, तुम्हारी तैयारी से तो लगता है आज कोई खास दिन है। वो तो भाभी ने जबरदस्ती पहना दिए थे। वरना तुम तो तैयार ना होती। मेरे लिए भी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ?